मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, डायरेक्टर पीडियाट्रिक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, बात करेंगे कॉमन इश्यूज इन ब्रेस्ट फीडिंग और उसकी प्रिवेंशन के बारे में। हमारे पास मदर्स जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जब आती हैं तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, कई सारी चीज़ों के लिए वो परेशान भी रहती हैं। सो आजकल क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स काफ़ी कुछ पढ़ करके आती हैं और उन्हें इस बारे में कुछ ज्ञान रहता है, परंतु उनके इश्यूज़ के अंदर एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग कॉमन इशू है। क्या बच्चे को एडिक्वेटली ब्रेस्ट फीडिंग मिल पा रहा है? इसके लिए ज़रूरी है कि वह बच्चे को बार बार ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें। बार बार ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहने से मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। अपने खाने पीने पर ध्यान रखें, रेस्ट करें। स्ट्रेस मिल्क प्रोडक्शन को कम करता है, इसलिए स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ना रहें। और बच्चे के लिए ये भी ध्यान रखें, क्या हमारी पोजीशन बच्चे को फीडिंग कराने की, लैचिंग प्रॉपरली, बच्चे का अटैचमेंट ऑन ब्रेस्ट प्रॉपर है या नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो पीडियाट्रिशियन की सलाह लें, वो आपको बच्चे के एडिक्वेट फीडिंग के बारे में बता पाएंगे और इससे जुड़ी हुई किसी भी पोजीशन चेंज, न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में बेटर सलाह दे पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।